तो ये कहानी है अंतरिक्ष के किसी अनसुने अनकहे ग्रह की। तो इस ग्रह के ऊपर दो मेले में बिछड़े हुए भाई फंस गए हैं। उनमें से एक भाई का नाम है फैंटम, जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का आदमी है। वो कभी भी किसी का भी बुरा चाह सकता है। और दूसरे का नाम है रॉकी, ये दिल से बहुत अच्छा और संस्कारी बच्चा है। तो इस ग्रह पे आने के पहले फैंटम की याददाश्त जा चुकी है, परंतु रॉकी की याददाश्त अभी भी वैसी की वैसी है। तो ये दो भाई इस अनसुने ग्रह के एक छोर पे और दूसरा भाई दूसरे छोर पे, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, क्या करना है वो भी पता नहीं। तो देखते हैं ये दो भाई एक दूसरे के साथ मिल पाते है या नहीं। ओ भाई, गजब सर दुख रहा है यार मेरा अब। और ये मैं कहाँ आ गया, और मेरा नाम क्या है, कौन हूँ मैं कौन, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, क्या था मेरा पास्ट, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या मेरी कोई फैमिली थी भी या नहीं, और ये किस जंगल में आ गया भाई मैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर भी दिख रहे, रात में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, तो जल्दी से भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है यार। हे भगवान, ये कहाँ आ गया मैं, बचा ले मुझको। भाई कोई है यहाँ पे, क्या मैं अकेला ही हूँ, मेरे माताजी पिताजी भी नहीं दिख रहे, मेरा भाई भी नहीं दिख रहा, कोई मुझे दिख क्यों नहीं रहा। भाई अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगा मैं, और बहुत सुनसान जगह है यार, मुझे अब डर लगने लगा है यहाँ, और ये ऊपर क्या चीज है भाई, चलो इसको पूछ के देखते है भाई, इसको बात करना वरना आता होगा, देख लेते हैं इसको पूछ के। और भाई क्या नाम है तुम्हारा, बता। अरे बता भाई, तुझे बोलना बिलना आता भी है नहीं, अरे बता ना। अरे भाई ये तो मेरे पीछे ही लग गया, हे भगवान कहाँ गया मैं, मुझे बचा लीजिए भगवान, बचा ले मुझको। मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, और तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, और तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, इसी दुनिया में किसी और छोर पर तुम्हारा भाई भी है। हे भगवान, कहाँ पे है मेरा भाई, मुझे उससे बात करनी है, मैं कौन हूँ वो पूछना है मुझे उससे। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें सिर्फ अपने भाई को ढूंढना है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। नहीं 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 भगवान, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या, बताते तो जाओ यार। चले गए भगवान, अब मैं कैसे ढूंढूंगा मेरे भाई को, कहाँ है मेरे भाई। मेरे भाई कहाँ हो तुम, मैं तुमको ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ढूंढूंगा जरूर, मुझे धरती और आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। मेरे भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ। तो ये दो भाई अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि फैंटम अपना विकराल रूप दिखाते हुए उसके रास्ते में जो जो गाँव आए, जो जो शहर आए, उन पे हल्ला बोल के उन्हें लूट के संपत्ति चोरी करना शुरू कर दिया था। तो फैंटम अपने रास्ते में जो जो गांव आए, कस्बे आए, उनके अंदर जाता और वहां रहने वाले लोगों को मारता। वो आतंक फैलाते फैलाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वो बड़ा नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता, और सबको मारता और उनके गांव की संपत्ति लूट लेता, और किसी भी घर के अंदर घुस के उनके चेस्ट लूटता, और बाहर आके उनके घरों को जला डालता और तोड़ मरोड़ के खंडर बना देता। और उसी समय पृथ्वी के दूसरे छोर पे उसका भाई रॉकी, दिल का एकदम साफ, वो मेहनत करके लगन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जो कि था उसका भाई। तो वो गांव वालों को हाथ भी नहीं लगाता, उनके साथ व्यापार करता, उन्हें कुछ चीजें बेचता और उसके बदले में वो पैसे लेता, जो कि उसकी जर्नी में उसे मददगार साबित हो रहे थे। वो मेहनत कर करके आगे बढ़ रहा था। आखिर कब मिलेंगे ये दो भाई, आखिर कब मिलेंगे फैंटम और रॉकी, क्या ये मिलेंगे भी या नहीं, और आगे उनके साथ क्या क्या होगा वो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आगे क्या होगा ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।